बहुत अच्छी सर, देखने लायक, बहुत जबरदस्त फिल्म है। कहानी में दोनों का हम जोर से काम, एक बार देखने के लिए बेस्ट है। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की एक्टिंग, काम वगैरह कैसा? कॉमेडी थी, बीच में रोना धोना था पर लास्ट में कॉमेडी थी, दोनों का अच्छा था, इमोशनल भी था, कॉमेडी भी था, एक्शन भी था। कैसे सेल्फी के लिए हम भी तरसते हैं अक्षय सर से, तो वो सब चीजें काफी रिलेटेबल लगी। लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर, देखने लायक फिल्म, बहुत अच्छा है। कुमार इमरान हाशमी का कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है सर, एक बहुत बहुत पसंद है, सब अच्छे है सर, सब ए टू जेड। पांच में से कितने सर दे? सर पांच, अच्छी फिल्म। अक्षय कुमार इमरान हाशमी का काम, दोनों का हम जोर से काम, स्टोरी वगैरह कहानी वगैरह फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, अच्छा मजा आया, मजा आया, अच्छी पिक्चर, अच्छी पिक्चर। पांच में से कितने सर देना चाहेंगे? हाँ जी, पांच में से अगर गुण की बात, पांच में से कम से कम साढ़े तीन। बहुत जबरदस्त फिल्म है। कहानी में क्या बेस्ट लगा आपको? अखरोट तोड़ने वाला सीन, एक बार देखने के लिए। कहानी वगैरह कैसी फिल्म? कहानी नहीं, इतना खास नहीं, देखने लायक है, एक ही बार देखने लायक। कहानी वगैरह कैसी फिल्म थी? एक नंबर। बेस्ट क्या है देखने में? देखने के लिए बेस्ट क्या है? बेस्ट इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की एक्टिंग। काम वगैरह कैसा? काम एक नंबर है। पांच में से कितने स्टार देंगे? पांच में से 4 स्टार। गाने वगैरह कैसे फिल्म के? अच्छा है, ज्यादा गाना नहीं लेकिन जितना अच्छा है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, फुल पैसा बस। थैंक यू, मस्त है। कैसी लगी? अच्छी थी। स्टोरी वाइज कैसी फिल्म है? कॉमेडी थी, बीच में रोना धोना था पर लास्ट में कॉमेडी थी। अक्षय इमरान कैसे लगे? दोनों साथ में फर्स्ट टाइम आए तो बहुत अच्छा लगा। इमरान हाशमी स्पेशली फैमिली एंटरटेनर के रूप में आए तो अब तक अलग भूमिका निभा रहे थे, तो उनका कैसा लगा फैमिली एंटरटेनर दोनों में? दोनों का अच्छा था, इमोशनल भी था, कॉमेडी भी था, एक्शन। पांच में से कितने स्टार देंगे आप? कितने से? पांच में से 5, 10, 10। हाउ यू विल अपील टू ऑडियंस टू वॉच दिस? एवरीवन शुड वॉच, फैमिली शो, फ्रेंड्स। थैंक यू। फिल्म बहुत ही सुपर हिट है, आप जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। फिल्म इज वेरी गुड फिल्म, एंटरटेनिंग है और फैंस को डेडिकेटेड है और काफी इमोशनल है, द इमोशनल एंगल इज वेरी गुड और फैमिली एंटरटेनर है, बहुत मजा आएगा। एक सुपर सर एंड फैंस के बीच की एक बॉन्डिंग दिखाइए, स्टोरी बताइए, तो आपको कितनी रियलिस्टिक लगी एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ अक्षय कुमार? हमें तो इतना मौका नहीं मिला कभी, लेकिन हाँ कोई कोई सीन में काफी रिलेटेबल लगा, जैसे कैसे सेल्फी के लिए हम भी तरसते हैं अक्षय सर से, तो वो सब चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल लगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें स्टोरी में अलग थी, मज़ा आया। क्या बात है, अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी फर्स्ट टाइम दोनों साथ में जोड़ी में आए, तो कैसा लगा? कौन किस ऊपर भारी था, कौन बेस्ट था, क्या कहना है? बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, मतलब बहुत ही ऑड केमिस्ट्री है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया इस पिक्चर में। बींग एन अक्षय कुमार फैन, मुझे बोलना है कि इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया और अक्षय सर ने एक बार इंटरव्यू में बोला भी था कि वाइल साइनिंग दिस फिल्म दे वर सर्चिंग फॉर द सेकेंड लीड और कोई मल्टी स्टार करने को तैयार नहीं था, तो अक्षय सर ने बोला था कि जो भी ये पिक्चर करना चाहेगा उसको जो भी रोल चाहिए वो ले सकता है। आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म कि हाँ इमरान का जो रोल था वो ज़्यादा सिंपति गेन करने वाला था, तो एक गुडविल जेस्चर है अक्षय सर का भी कि वो खुद से बोलते कि वो कोई भी रोल ले लो, ऐसा नहीं कि जो रोल में मीट है मैं वही रोल करूँगा, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। गाने सारे अच्छे थे, सरप्राइजिंगली तनिष बागची के स्कोर्स है बहुत अच्छे, विक्रम के स्कोर्स है बहुत अच्छे, गाने बहुत अच्छे, और एक इस पिक्चर में एक और एक अच्छी चीज़ बताई कि द डार्क साइड ऑफ फैंस एंड दैट इज़ वेरी हॉरिबल, बीइंग अ फैन आई ऑल्सो फील दैट इज़ रॉन्ग थिंग, लाइक क्लाइमेक्स में एक सीन है जहाँ पे कंट्रोल चले आता है फैंस लोग का, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग, वी एज अ फैन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट। Being a fan, how many stars you got to fight? We don't give stars to our star and he's not even our star, he's our demigod. Yeah. So we don't critique his films or him also. So there's no star, beyond stars. Okay.